अरे ऐसे कैसे नहीं होगा 10 लाख में, और पैसे नहीं मांग सकता मैं, और ये पैसे भी मुझे कमा कर वापिस देने हैं, किसी का एहसान नहीं रखना चाहता मैं। अरे बोल दिया ना 10 लाख ही है, इतने में ही करो बात खत्म। सॉरी तुम्हारी बात सुन ली मैंने गलती से। क्या हुआ शुभम, सब ठीक है ना? ये 10 लाख रुपए का क्या चक्कर? आपको क्या, मेरे पैसे हैं, मैं जो मर्जी आया करूं, और वैसे भी ये पैसे आपने नहीं दिए, दादी ने दिए, मैं बहुत जल्दी उन्हें कमा के लौटा दूंगा ब्याज के साथ। बात पैसे और ब्याज की नहीं है शुभम, बात तुम्हारी सिक्योरिटी की है, तुम्हारे करियर की है। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, बड़ा भाई होने के नाते मेरा हक बनता है तुमसे पूछना कि तुम क्या काम कर रहे हो और किसके साथ काम कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हें बाहर काम करने की क्या जरूरत है, जब घर का बिजनेस है तो बाहर क्यों जा? ये सही, जिद भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब बाहर वालों के साथ काम करने नहीं देना और घर पे काम करवाना नहीं, तो मैं करूं क्या, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है शुभम, तुम घर के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो। बस बात बड़े भैया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। फैमिली बिजनेस, किसका है ये फैमिली बिजनेस? कार्तिक का, क्योंकि पढ़ा लिखा कौन है? कार्तिक। अंग्रेजी कौन बोलता है? कार्तिक। समझदार कौन है? कार्तिक। मैं तो जैसे यहाँ होके भी नहीं, वहां बैठा था आप सबके साथ, किसी ने देखा मुझे? नहीं, किसी ने नहीं देखा। अरे मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, पर नहीं, आप लोग तो ध्यान ही नहीं देते, मैं तो जैसे किसी को दिखता ही नहीं हूँ, बस कार्तिक दिखता। ऐसी बात नहीं है शुभम। शुभम डील बहुत ट्रिकी है, इसलिए तुमसे नहीं पूछा, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना। देखो शुरू से ही तुम्हें इतना डिफिकल्ट असाइनमेंट दे देंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, बस यही सोचकर। आपने ही सोच लिया, आपने ही तय कर लिया, आप ही काम कर लोगे, मैं क्या करूंगा यार, ताली बजाऊंगा खड़े होके? मुझे नहीं है मंजूर, नहीं बनना आपका पिस लगू, नहीं पहननी आपकी उतरन, मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ। अरे पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ मैं, ये क्लाइंट क्या चीज है, कोई का खून हूं मैं, विश्वास तो करके देखिए, पर आप लोगों ने तो सोच लिया ये किसी चीज के लायक है ही नहीं। सच बात बताऊं आपको, घर वालों ने मुझे अपना तो लिया है, और उनका बेटा हमेशा कार्तिक रहेगा, कार्तिक। इस तरह काबू में कर लिया तुमने हमारी पोते को कि वो अपने खुद के सोचने समझने की शक्ति खो बैठा है। चोरू का गुलाम सुना है ना, वो बना के रख दिया है किट्टू को। नहीं बनना आपका पिस लगू, नहीं पहननी आपकी उतरन, मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूं। किस लगा आपको? कंसिडर करने लायक है, तुमने कार्तिक को बताया? ओ वाह कार्तिक, तुमने अखिल का आइडिया सुना? मुझे अच्छा लगा, यू वांट राइट? नहीं पापा, मैं ये अकाउंट हैंडल नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली नायरा की हेल्प करनी है एक अपकमिंग इवेंट के लिए। ये क्या बात हुई, नायरा की हेल्प भी करो? और नहीं, मुझसे दो दो काम नहीं होगा, वो मैंने नायरा की हेल्प नहीं की तो वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी ना। तो कार्तिक ये बिजनेस का? हाँ तो शुभम है ना चाचू, शुभम हैंडल कर लेगा, आप उसे इन्वॉल्व कर लीजिए प्लीज। कार्तिक ये बात कुछ जची नहीं। एक्चुअली मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा इसलिए, और नायरा की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है। आप शुभम को ही नहीं कहते, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी। पर नायरा मैं तो तुम्हारे लिए, सीरियसली मुझे हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं मैनेज कर लूंगी, तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगी। नायरा मेरी बात तो सुनो, तुम हमेशा ऐसा करती हो, इस बार तो मैं नहीं करने दूंगा, इस बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं, इतना बड़ा इवेंट है लाइटली नहीं ले सकती तुम, चाहे मना करो लेकिन मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही दूंगा। कार्तिक अब थैंक यू ऐसा सोचने के लिए, लेकिन मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम। नायरा प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। कार्तिक नहीं, नायरा प्लीज, कार्तिक प्लीज। वाह अब यही बाकी रह गया, काम धंधे की जिम्मेदारी छोड़कर बड़े भैया भाभी जी के नाच गाने की ड्यूटी बजा रहे। चलो अखिल, नहीं चाहिए किसी की मदद, हम खुद हैंडल कर लेंगे। जिम्मेदारी बांट रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि खुद हैंडल नहीं कर सकते। चलो
दादी आप टेंशन मत दीजिए, मैं देखता हूँ पापा को। ड्रॉप के पर्दे नहीं मिलते तो नानी दादी किसी की भी हेल्प ले लेती। अगर लाइट नहीं लगती तो गोइंका हाउस का पूरा स्टाफ आ जाता बल्ब लगाने के लिए। अगर गेस्ट को इनवाइट करना होता तो चाची के इवेंट वालों को हायर कर सकती थी मैं। लेकिन लाइट भी रेडी है, साउंड ट्रैक भी रेडी है, इनफैक्ट तुमने खुद ही करवाया ना सब। कॉस्ट्यूम भी रेडी है, मेरे घुंघरू भी बिल्कुल सही सलामत है, मुझे मेरा डांस भी आता है। तो फिर ऐसा क्या है कार्तिक जिसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत पड़ गई, और वो भी इतना अर्जेंटली कि उसके लिए तुम्हें पापा के साथ जाने के लिए मना करना पड़ा? बताओ मुझे कार्तिक, बोलो। ये सच है, मेरी लाइफ में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर सिर्फ तुम ही हो ऐसा तो नहीं है। तो फिर किसके लिए क्या तुमने ये सब? जानता तुम कहोगी ये सही वक्त नहीं था वो करने का जो मैंने किया, पर तुम ही बताओ नायर सही वक्त कौन सा होता है? तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि जिस वक्त जो अपॉर्चुनिटी सील कर ली बस वही उसके लिए सही वक्त है, मतलब पता नहीं इंतजार कितना लंबा होगा। मेरे भाई ने ऑलरेडी बहुत इंतजार किया नायर अपना हक पाने के लिए, मैं उसे और डिले नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कार्तिक, शुभम को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे परे जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सबके साथ रह के खींचो उसे अपनी और सबकी तरह। कार्तिक तुम सिर्फ बड़े भाई नहीं हो, एक बेटे भी हो। एक फर्ज निभाने के लिए बाकी सभी फर्जों से मुंह मोड़ लेना क्या सही होगा? बोलो तो क्या करूं मैं नायरा, कैसे इन्वॉल्व करूं उसे सब में, कैसे यकीन दिलाऊं पापा और चाचू को कि वो भी इस बिजनेस में उसे इस लायक बना ले। हाँ कार्तिक सिखाओ उसे ट्रेन करो वैसे ही जैसे हमें हमारे पहले डांस परफॉर्मेंस से पहले किया जाता है, ताकि जब भी हम मैदान में उतरे एकदम परफेक्ट हो। जैसे किसी को तैरना सिखाने के दो तरीके हो सकते हैं कार्तिक, एक तो उसे पानी में धक्का दे दो और दूसरा उसके साथ खुद पानी में उतर के उसे हाथ पकड़ के सिखाओ। मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। और तुम्हारा इवेंट उसके लिए भी तो मुझे होना चाहिए ना? जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगी। पक्का? बीच मीटिंग से उठा के ले जाना अपने पुष्पक विमान में। यस रम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।